सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को रिव्यू देने वाले हैं iOS 14.2 का अपने आईफोन 6s में, और आपको बताएंगे कि क्या आपको ये अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आईफोन से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि मैं चल रहा हूँ iOS 14.2 पर, और इसको 2 दिन हो गए मुझको यूज़ करते हुए। 2 दिन का क्या एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे iOS 14.2 पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइस, 2 दिन से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 दिन में दोस्तों मुझे पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है ये अपडेट, और चलाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। वॉलपेपर आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। सो वॉलपेपर जो 8 मिले थे वो तो काफ़ी अच्छे थे ही, जिसमें से आप जो है इनको डार्क मोड पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्टिल्स में जाओगे, यहाँ पे आपको 8 न्यू वॉलपेपर्स मिलेंगे जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और इनको आप डार्क मोड पर भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। सो यहाँ पे और एक जो बेहतरीन चीज़ मुझे लगी है वो इसका बैटरी बैकअप। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ आप लोगों को, हमेशा अच्छा ही और सच्चा रियल जो है जो भी होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो मैं बताऊंगा कि इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है पहले से। पहले गाइस होता क्या था, मैं इसको जब यूज़ करता था काफ़ी हीट करता था और बैटरी बहुत ज़्यादा जो है ड्रेन होती थी, लेकिन इस अपडेट के बाद में काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मुझे इसको यूज़ करते हुए। आप लोग देखिए, 7:51 पर मैंने 100% तक चार्ज किया था इसको। सॉरी, गलती हो गई थी, लगा रहा था और मैं भूल गया था, सो रहा था सुबह। तो यहाँ पे अभी आप अगर देखो तो बैटरी 78% है, करीब 22% बैटरी यूज़ हुई है, और इसको मैं यूज़ कितना किया है, 5 घंटे 26 मिनट। सो गाइस, मैंने काफ़ी देर तक इसको इस्तेमाल भी किया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये अपडेट। और आपको मैं ये भी कहूँगा कि आपको ये अपडेट ज़रूर जो है कर लेना चाहिए, क्योंकि अपडेट जो है काफ़ी बढ़िया है। और जो भी छोटे मोटे थोड़े बहुत जो बग्स थे सिक्योरिटी को लेकर के, या फिर कोई जो ऐप्स जो होता है इनके आइकॉन्स गायब हो जाते थे, तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सॉल्व हो गई हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम बात करेंगे जिसकी इमोजीज की, तो आपको 100 न्यू इमोजीज मिलते हैं। आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो या फिर आई मैसेज यूज़ करते हो, कुछ भी आप अगर इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे आपको जो है ये फ़र्क देखने को मिलेगा। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोगों को बता देता हूँ कि ये अपडेट बहुत बढ़िया है, आप तुरंत जाइए कीजिए अपडेट। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि आप हमेशा अपडेट को जो है अच्छे वाईफाई से ही करें, ताकि आपके फ़ोन को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा नेट नहीं होगा तो बीच बीच में कभी कभी फंस जाता है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका अपडेट जो है अगर 1 GB का भी है, 1.5 GB का भी है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले के अपडेट नहीं किए होंगे तो इस वजह से आपका अपडेट जो है बड़ा हो सकता है। सो मेरे पास है iPhone 6s, इसी में अपडेट जो था वो 720 MB का था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर चेक कीजिए, मैंने परसों वीडियो डाली थी, आप चेकआउट कर सकते हो। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको बता दूं कि आप ये अपडेट कर लीजिए, बहुत बढ़िया अपडेट है। और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आईफोन से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ और वीडियो आगे बनाने की कोशिश और अच्छी करता हूँ। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।